गर्ल्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्लशिंग ब्यूटी। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे एंड सेफ होंगे। मैं आ गई हूँ बहुत ही ज़्यादा न्यू वीडियो के साथ और आज की इस वीडियो में हम लिपस्टिक शेड्स के बारे में बात करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में बताने वाली हूँ हाउ टू मेक 100+ शेड्स बाई यूजिंग ओनली वन लिपस्टिक। यानी अगर आपके पास सिर्फ एक लिपस्टिक है तो कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप 100 से ज़्यादा शेड्स एक ही लिपस्टिक से बना सकते हैं। ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आपके पास 100 लिपस्टिक हो या हज़ारों लिपस्टिक हो, एक लिपस्टिक का यूज़ करके आप बहुत सारे शेड्स बना सकते हैं। वो कैसे बना सकते हैं वो ही मैं आज आपको दिखाऊंगी। मैं हूँ आपकी पर्सनल ब्राइडल गाइड। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो दुल्हन से रिलेटेड, ब्राइडल क्वेरी से रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट भी विजिट कीजिए। मैं शादी, जिनकी लड़कियों की शादी होने वाली होती है उनके लिए वीडियोज़ बनाती हूँ और आफ्टर मैरिज वेडिंग सीरीज़ भी बनाती हूँ, आप ज़रूर विजिट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसी आईडी ब्लशिंग ब्यूटी 42। फेसबुक पेज का लिंक एंड इंस्टाग्राम की आईडी, दोनों ही लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगी, आप नीचे जाके देख सकते हैं। तो आइए वीडियो करते हैं शुरू। यहाँ पे मैं आपको एक ही लिपस्टिक से हज़ारों शेड्स बना के दिखाऊंगी और ये लाइव करके दिखाऊंगी क्या रिजल्ट आता है, सारी चीज़ें दिखाऊंगी। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको आइडिया लग जाए। ये चीज़ आपको कोई भी नहीं बताएगा, सब लोग यही बोलते हैं कि खरीदनी पड़ती है या फिर दो लिपस्टिक यूज़ करके आपको करना पड़ता है। नहीं, अगर आपके पास सिंगल एक लिपस्टिक है तो उससे भी हो जाती है। होता क्या है, हम अलग अलग आउटफिट्स पे अलग अलग ड्रेस पहने, जब अलग अलग ड्रेस पहनते हैं तो अलग अलग लिपस्टिक के शेड्स चाहते हैं, एक शेड्स से बोर हो जाते हैं। तो क्या करना है अभी आपको मैं दिखा देती हूँ। सबसे पहले गर्ल्स मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे पास ये एक लिपस्टिक है, ये है ब्लू हेवन की इंटेंस मैटे लिपस्टिक जो कि मात्र 100 रुपये की आती है। रेड लिपस्टिक है और इसका शेड बता देती हूँ, हार्ट बीट शेड 303, हार्ट बीट शेड है 303। ये लिपस्टिक आज मैं यूज़ कर रही हूँ। क्या करना है आप, मैं अभी आपको पहले दिखा देती हूँ उसका शेड कैसा है। यहाँ पे लगा के इस तरह का है, ये परफेक्ट रेड है। अभी मैंने ना ये लगाया, इसको मिक्स एंड मैच करके लगाया, तो ये शेड है इसका एंड आप देख पा रहे हैं ये रियल शेड है। अब यहाँ पे मैं ना 4-5 स्वेचेस लगा देती हूँ, फिर आपको दिखाऊंगी कैसे मिक्स एंड मैच करके आप न्यू शेड्स बना सकते हैं। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो ये मैंने कुछ स्वेचेस लगा दिए हैं। यहाँ पे भी लगा देती हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाए। अब आपको बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट शेड्स बना के दिखाऊंगी इन्हीं के साथ। तो बेसिकली क्या, सबके पास क्या होता है, काजल होता ही है, काजल आपके पास होगा, काजल नहीं है तो आईब्रो पेंसिल होगी, कोई भी चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं, काजल या आईब्रो पेंसिल, अगर आपको लाइट और डार्कर शेड चाहिए। डार्कर शेड मतलब मेहरून या रेड में ही डार्क शेड चाहिए तो आप काजल या फिर लाइनर का यूज़ कीजिए। यहाँ पे ये मेरे पास लाइनर है, लाइनर नहीं कहूँगी, ये ड्राई जो पेंसिल लाइनर होता है या कह लीजिए काजल होता है, वो मैंने लिया है। ये काजल है, इसकी पॉइंटेड काजल है। अब मैं क्या करने वाली हूँ, बेसिकली यहाँ पर ये जो शेड है ना, इसमें हल्का सा ये मैं लगा रही हूँ और इसको मिक्स एंड मैच करती हूँ, देखती हूँ क्या शेड आता है। मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, ये शेड आ रहा है। तो आप हल्का हल्का मिक्स करते जाइए, जैसा भी शेड आपको चाहिए। देखिए ओरिजिनल से कितना डिफरेंट लग रहा है ना ये कलर। अब इधर भी मिक्स कर रही हूँ, इधर हल्का सा मिक्स कर लेती हूँ मैं। ये देखिए दोनों शेड्स में कितना अंतर है। अब थर्ड शेड बनाते हैं, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा मिक्स कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा ज़्यादा मेहरूनिश शेड चाहिए, जो कि जैसे हम आउटफिट्स पहनते हैं ना, कोई लहंगा साड़ी, तो उसमें डार्क कलर लगाना पसंद करते हैं, एकदम कॉफ़ी शेड कह लीजिए या डार्क मेहरून। तो ये देखिए ये नया शेड निकल के आया, कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है ये शेड, बहुत अच्छा लग रहा है ये वाला शेड। तो और शेड्स बनाते हैं, इसमें मैंने बहुत हल्का सा चलाया है, बहुत ही लाइट सा चला दिया है एंड देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है इसका। तो ये रिज़ल्ट आ रहा है, ये देखिए ये वाले का, दोनों में अंतर है, आप गौर से देखेंगे ना दोनों में अंतर आ रहा है। तो इसी तरह से आपको बस शेड्स में ना मिक्स एंड मैच करते जाना है, बनाते जाना है। कहीं कहीं आप ज़्यादा मतलब डार्क ले सकते हैं, कहीं कहीं लाइट ले सकते हैं। अगर आप लाइनर कह रही हूँ या फिर अगर आप यूज़ कर रहे हैं काजल, तो काजल यूज़ करते समय आपको हमेशा डार्क शेड मिलेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मेरे पास ना एक और लिपस्टिक है, ये भी ब्लू हेवन की इंटेंस मैटे लिपस्टिक है, 100 रुपये वाली ही दिखा रही हूँ आपको। ये है इसका शेड नंबर प्लम डिज़ायर 310।
प्लम डिज़ायर 310, इसका शेड पहले आपको दिखा देती हूँ मैं, इधर लगा के दिखाती हूँ। ये देखिए ये शेड है इसका, तो ये शेड है। अब इस शेड में भी मैं थोड़ा सा आपको लगा के दिखाती हूँ, 2-3 स्वैच इधर लगा देती हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाए कैसा रिजल्ट आता है। मैं हाथ पे इसलिए लगा रही हूँ, गर्ल्स की फेस पे अगर मैं बार बार लगाऊंगी ना तो फिर आप लोगों को इतने सारे शेड्स नहीं दिखा पाऊंगी, एक लिमिटेड शेड्स ही दिखा पाऊंगी। ये मैंने सारे स्वैचेस लगा दिए हैं इस साइड पे हैंड के। इसका शेड नंबर अगेन बता रही हूँ 310 है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है एंड डेली लाइफ के लिए परफेक्ट है, अफोर्डेबल भी है, तो आप ज़रूर लीजिएगा ये वाला शेड। तो अभी इसी शेड, मतलब अभी तो मैंने रेड के कुछ शेड्स आपको दिखाए, अभी इस शेड में क्या कर रही हूँ, यही देखिए, वाओ, ये देखिए एक न्यू शेड निकल के आया। थोड़ा सा ज़्यादा डार्क कर देते हैं इसको हम। ये देखिए आप अंतर देख पा रहे हैं दोनों शेड्स के अंदर। अब इधर की साइड में थोड़ा कम चलाऊंगी, ये आप ना डेली करके देख सकते हैं, आउटफिट्स के साथ कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है एंड हज़ारों में शेड्स आप बना सकते हैं। पार्लर वाले जो आपको देखा होगा कि बहुत सारी मतलब लिपस्टिक के नए शेड्स अप्लाई करते हैं ब्राइड्स के, जब भी आप पार्लर में मेकअप करवाते हैं, मेकअप का जो रिजल्ट होता है वो बेसिकली आता कहाँ से, एक होता है आई मेकअप, दूसरा होता है आपकी लिपस्टिक। लिपस्टिक और आई मेकअप अगर परफेक्ट है तो ब्राइड एक परफेक्ट ब्राइड लगती है। तो लिपस्टिक परफेक्ट कैसे होती है, यूनिक कलर कैसे होता है, पार्लर्स के पास कोई भी ऐसा नहीं है कि इतनी सारी लिपस्टिक होती है, वो मिक्स एंड मैच करके न्यू शेड्स बनाते हैं जो कि आप खुद कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप पार्लर से ही करें। देखिए तीनों शेड्स में अंतर मिल रहा है, ये देखिए, ये देखिए शेड्स में अंतर आ रहा है, ये थोड़ा पर्पल शेड में है। अब इधर थोड़ा ज़्यादा चला देती हूँ तो देखते हैं क्या रिजल्ट आएगा इस साइड। ये देखिए ये देखिए ये न्यू शेड बना है। तो इस तरह से आप ना शेड्स बना सकते हैं एंड अभी ना जो लास्ट वाला शेड है ये रेड, ये जो लास्ट वाला शेड है ना पर्पल 310 प्लम डिज़ायर, इसमें मैं ये वाला शेड लगा रही हूँ हार्ट बीट वाला, इसके ऊपर हल्का सा रेड मिक्स कर रही हूँ। देखते हैं पर्पल और रेड को मिक्स करके क्या रिजल्ट आता है। तो कुछ इस तरह सा रिजल्ट आ रहा है, देखिए ये रिजल्ट आ रहा है, ये सारे शेड्स हैं। तो ये तो मैंने आपको बताया लिपस्टिक का मिक्स एंड मैच करके, आपके पास दो लिपस्टिक हैं, दो से ज़्यादा लिपस्टिक हैं तो मिक्स एंड मैच आप कर सकते हैं, लेकिन अगर सिंगल लिपस्टिक है तो आप ये जो पेंसिल होती है ना, कह लीजिए ये काजल, जो उससे आप मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। अब मैं आपको बताने वाली हूँ दूसरी टेक्निक जो कि आप कर सकते हैं ना, क्या है, गर्ल्स लिप लाइडर्स आते हैं या फिर आपके अलग अलग टाइप के काजल आते हैं, मतलब काजल भी कलर्स में आते हैं, तो अगर आपके पास कलर्ड काजल है उसका भी यूज़ कर सकते हैं, एल्स आप लिप लाइनर का यूज़ कर सकते हैं। मैं ज़्यादातर लिप लाइनर यूज़ नहीं करती हूँ, मुझे पसंद ही नहीं है, तो मेरे पास बस एक ही लिप लाइनर है। मैं इतना वीडियोस बनाती हूँ बट मैं खुद पर्सनली लिप लाइनर यूज़ नहीं करती हूँ, इसलिए मैंने परचेज़ नहीं की है, लिपस्टिक का मिक्स एंड मैच करके ही लगा लेती हूँ। तो यहाँ पे ये जो लिप लाइनर है ये मैं आपको बता देती हूँ, ये लिप लाइनर है। अब क्या करना है, यहाँ पे ऊपर के जो रेड के शेड्स थे, इस लिप लाइनर का शेड पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए ये शेड है। तो इसको अगर मैं रेड में लगाऊंगी क्या रिजल्ट आएगा, देखिए एक अलग कलर बन गया, ये वाला थोड़ा पिंक शेड में आ रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये कलर, तो मतलब लहंगे वहंगे के साथ अच्छा लगता है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो इस तरह से आप नए कलर्स ट्राई कर सकते हैं, लिप लाइनर को भी थोड़ा कम लगाइए, थोड़ा ज़्यादा लगाइए, अलग अलग शेड्स डिज़ाइन कर सकते हैं। अब मैं गर्ल्स आपको वो शेड्स बताने वाली हूँ जो कि बिल्कुल ही यूनिक होने वाले हैं। फिलहाल मैं ये टिश्यू मैंने ले लिया है, इसको रिमूव कर देती हूँ, फिर मैं आपको न्यू शेड्स लगा के दिखाऊंगी। एंड ये आप ना लिक्विड लिपस्टिक्स के साथ भी कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप इन्हीं लिपस्टिक के साथ करेंगे, कोई भी लिपस्टिक है उसके साथ कर सकते हैं। जो एकदम सुपर ड्राई लिपस्टिक आती है ना मैटे, उसके साथ नहीं कर पाएंगे, उस पर प्रॉब्लम क्या होती है, बहुत ज़्यादा ड्राई होती हैं। अगर आप ड्राई के साथ कर रहे हैं तो उस केस में आपको मैं बताती हूँ कंसीलर का यूज़ करना पड़ेगा, कंसीलर लगाने के बाद भी आप लिपस्टिक को
शेड चेंज कर सकती हैं। ये मैंने पूरा रिमूव कर दिया है एंड अब मैं आपको न्यू स्वैचेस दिखाती हूँ और कौन से तरीके से आप शेड चेंज कर सकते हैं। अभी मैं आपको बताने वाली हूँ नेक्स्ट प्रोसेस, नेक्स्ट मेथड, जिससे आप न्यू शेड्स और लाइटर शेड्स कह लीजिए न्यू शेड्स बना सकते हैं। जिसके लिए आपको चाहिए आपकी वही लिपस्टिक जो आपके पास है एंड आपको चाहिए एक कंसीलर। कंसीलर आपका कोई भी हो सकता है या फिर अगर कंसीलर नहीं है आपके पास तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप यूज़ कर सकते हैं वाइट पेंसिल। जो आई पेंसिल होती है वाइट वाली वो आप लीजिए। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, अगेन अपना हैंड मैंने क्लीन कर लिया है एंड यहाँ पे कुछ स्वैचेस लगा देती हूँ मैं। ये देखिए मैंने कुछ स्वैचेस लगा दिए हैं ताकि आपको आइडिया लग जाए। अब क्या करना है, ये कंसीलर लिया है, कंसीलर की क्वांटिटी आपको कम ज़्यादा करके शेड को चेंज करना है। देखिए करके देखते हैं, यहाँ मैंने कम कंसीलर लगाया है, लेट्स सी क्या रिज़ल्ट आता है। ये देखिए पिंक शेड आ रहा है, वाओ ये पिंक लग रहा है एकदम एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो अभी देखते हैं कंसीलर दूसरे पार्ट में लगा के। ये देखिए दूसरा शेड ये आ रहा है, अगर आपको दिख पा रहा हो। देखिए दोनों शेड्स में आप अंतर देख रहे हैं ना, ऊपर नीचे, तो ये ही अंतर आता है। एंड अभी और शेड्स बना के देखते हैं कि क्या ऐसा कैसा शेड आ रहा है। इसके बाद मैं आपको कुछ शिमरी लिपस्टिक्स भी बताऊंगी वो कैसे बनती हैं एंड उनका क्या रिज़ल्ट आता है एंड इन लिपस्टिक को लॉन्ग लास्टिंग कैसे बनाएं इन समर सीज़न में वो भी बताऊंगी। तो अभी मैं यहाँ पे थर्ड लिपस्टिक ट्राई कर रही हूँ, थर्ड शेड। थोड़ा ज़्यादा कंसीलर लेते हैं इस बार ताकि शेड को डार्क कर लाइट कर सके। ये देखिए सो ये एकदम लाइट शेड निकल के आया है, जो कि लाइट शेड, जिनको लाइट शेड्स पसंद होते हैं वो लड़कियां यूज़ कर सकती हैं ये वाला। एंड यहाँ हल्का लगा रही हूँ मैं, तो ये शेड निकल के आया है। आप खुद से ही कर सकते हैं, कुछ भी नया नहीं है इसमें, मैं बस आपको शेड्स दिखा रही हूँ। तो ये ओरिजिनल है फर्स्ट नंबर पे और ये चार शेड्स न्यू आए हैं बाय यूजिंग दिस कंसीलर। आपके पास वाइट पेंसिल है उससे भी आप सेम इस तरह के शेड्स बना सकते हैं। तो अब बताती हूँ और चीज़ें और तरीका जो आप यूज़ कर सकते हैं एंड इन लिपस्टिक को लॉन्ग लास्टिंग कैसे बनाएंगे वो भी अभी मैं बताऊँगी। तो अभी मैंने अपना हैंड को ना फिर से क्लीन कर लिया है एंड यहाँ पे मैं अगेन लिपस्टिक के स्वैचेस लगा रही हूँ। सेम ही लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ पूरी वीडियो में। अगर आप कोई और लिपस्टिक है आपके पास मल्टीपल शेड्स है तो भी आप ट्राई कर सकते हैं। मैं यहाँ पर बहुत सारी लिपस्टिक लेके नहीं बैठी हूँ वरना वीडियो बहुत ज़्यादा भी हो जाएगी। अब बस आपको तरीका बता रही हूँ। सो अभी यहाँ पे कुछ स्वैचेस लगा रही हूँ अगेन, ये मैंने कुछ स्वैचेस लगा ली है। दूसरी जो लिपस्टिक है ना मेरे पास ये वाली, ये इसके भी मैं कुछ स्वैचेस लगा ले रही हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ कुछ शेड्स में अंतर। सो ये मेरा हैंड फुल हो चुका है, लेट्स सी करना क्या है इस बार आपको। गर्ल्स हर लड़की के पास ना मेकअप के लिए आई मेकअप किट होती है, यानी आई शेडोज़ होते ही हैं। मेरे पास भी है, अगर आपके पास छोटा है बड़ा है कैसा भी है कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने अपना आई पैलेट ओपन किया, मैं ये नहीं बता रही हूँ कि मेरे पास कौन सा आई पैलेट है, जो भी आपके पास है आप वो ओपन कीजिए। जितने भी इसमें शेड्स हैं आप इसका यूज़ करके आपकी लिपस्टिक का न्यू शेड बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने ये रेड शेड लिया हुआ है एंड यहाँ पर ये ऑरेंज आप देख रहे हैं ना ये वाला, ये मैं लेती हूँ थोड़ा सा हैंड्स में। ब्रश से भी आप कर सकते हैं, मैं आपको हैंड से दिखा रही हूँ ताकि मिक्स एंड मैच। इसके ऊपर लगा देती हूँ मैं एंड दोबारा लेते हैं, ट्राई करते हैं। सो ये इस तरह का शेड आया निकल के, जो कि ऑरेंज शेड है। ये देख पा रहे हैं आप, ऑरेंज शेड निकल के आया है। एंड इसी तरह से मैं ना और शेड्स दिखा देती हूँ आपको कौन सा शेड ट्राई करना है। आप कमेंट में बताइएगा कि कौन सा शेड ट्राई करूँ, उनमें से कौन सा शेड आपको अच्छा लग रहा है। सो ये वाला शेड ट्राई करें, पिंक, देखते हैं पिंक यूज़ करके क्या आता है रिज़ल्ट।
देखिए ये शेड निकल के आया है, एंड नाउ और शेड्स भी मैं आपको दिखा देती हूँ। जितना भी आपके पास आई शेडो में, जितने भी आई शेडोज़ हैं पैलेट में, उसको आप यूज़ करके बना सकते हैं। तो यहाँ पे ये मैंने अप्लाई किया है, देखिए ये शेड निकल के आया है। नाउ कुछ सिल्वर शेड लगा के देखती हूँ कि सिल्वर लगाने के बाद क्या चेंज आता है, कुछ आता भी है या नहीं। सिल्वर लगाने के बाद ये ना पिंकिश हो रहा है, देखिए ऑब्वियसली लाइट शेड मिक्स कर रहे हैं हम उसमें। तो ये रहा इस तरह का ये शेड है, एंड ओरिजिनल शेड आप ये देख रहे हैं रेड, ये और ऊपर न्यू शेड डिज़ाइन किए मैंने। सो सेम इस वाले में भी करते हैं, लाइट वाले में जो पर्पल के हैं, ये लाइट वाले कुछ शेड्स मैं इसमें ऐड करती हूँ, फिर देखते हैं क्या रिजल्ट आ रहा है। ये शेड बनाए एक न्यू, यहाँ पे ये वाला शेड बनाती हूँ एक और न्यू। देखिए ये शेड चेंज हो रहे हैं अपने आप ही। वैसे ये कलर ट्राई तो नहीं करना चाहिए, ग्रीन शेड है, बट लेट्स सी ग्रीन लगाने के बाद क्या अंतर आता है। ये शेड बन के आया है, थोड़ा सा मैं आपको दोबारा से दिखा देती हूँ। ये देखिए अलग ही शेड सा आ गया है, बट ये लिप्स पे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगेगा। आप लाइट शेड ट्राई कीजिएगा, ऑरेंज ब्राउन ये सारे शेड्स अप्लाई कीजिएगा, रेदर देन कि आप ब्लू ग्रीन ट्राई करें पैलेट में। एंड पैलेट में से और कौन सा शेड ट्राई करूँ, मेरे पास एक और पैलेट है ये वाला, इसके भी शेड्स ट्राई करते हैं। ये पैलेट है एंड इसके अंदर मुझे और भी शेड्स मिले हैं, सो लेट्स सी। ये बेज शेड अप्लाई करके देखती हूँ ये वाला कैसा रिजल्ट आता है। ये देखिए ये लाइट हो गया एकदम, ये ओरिजिनल और ये सारे शेड न्यू आए हैं। तो ये सारे लिपस्टिक के शेड्स आप बना सकते हैं अब मिक्स एंड मैच करके। अब मैं आपको ये बताऊँगी कि इन लिपस्टिक को आपको लॉन्ग लास्टिंग कैसे बनाना है। सो पहले तो मैं आपको दिखा देती हूँ ये वाले शेड कितना मतलब रफ हो रहे हैं, कितनी देर तक स्टे करेंगे। तो ये देखिए ये स्टेइंग पावर बिल्कुल भी नहीं है, अभी ये बिल्कुल मिक्स हो गए हैंड में, देख पा रहे हैं आप स्टेइंग पावर ज़ीरो है। तो अभी इनको लॉन्ग लास्टिंग बनाना है, देखना है कि लॉन्ग लास्टिंग कैसे रहते हैं और कितनी देर तक रहते हैं। तो मैंने इसे रफ कर लिया है इसी सेम टिशू से। करना क्या है गर्ल्स, अब आपको सेम लिपस्टिक ले लीजिए जो भी आपके पास है, मैं यहाँ पे यही वाला शेड ले रही हूँ रेड। रेड लिपस्टिक का शेड मैंने अप्लाई किया है एंड यहाँ पे कुछ शेड्स लगा देती हूँ मैं। ये वाला शेड लगा रही हूँ अपने आई पैलेट से ताकि ये ऑरेंज बन जाए, ऑरेंज लिपस्टिक जिनको पसंद है उनके लिए। तो ये ऑरेंज बन गई है लिपस्टिक सी। अब मैं यहाँ पे दूसरा शेड लगा रही हूँ एक में, तो वाइट शेड लगा के देखती हूँ क्या रिजल्ट आ रहा है। वाइट लगा रही हूँ एकदम वाइट, ये देखिए वाइट लगा के पिंक हो गया है, ये रेड ना पिंक में कन्वर्ट हो गया है। और एक में मैं लगा लेती हूँ गोल्डन चेक करने के लिए जस्ट कि क्या रिजल्ट आ रहा है, न्यू शेड बन रहा है या नहीं। सो ये भी ऑरेंज में बन कन्वर्ट हो गया है, लाइट ऑरेंज। सो अभी करना क्या है गर्ल्स, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, जो भी आपके पास कॉम्पैक्ट है, मेरे पास ये कॉम्पैक्ट है, एक कॉम्पैक्ट को आपको निकाल के इस तरह से स्पॉन्ज में लेना है इसमें इस तरह से, और इसके ऊपर डैब 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 कर देना है। कॉम्पैक्ट आपके बेस को सेट करता है ये बात आपको पता है, तो आपको बस कॉम्पैक्ट से ना अपने लिप्स को इस तरह से सेट कर देना है एक से दो बार। उसके बाद आपको करना क्या है, सेम शेड की लिपस्टिक लेनी है जो भी आपने पहले ली थी, अगेन इस पर आप लिपस्टिक लगाइए। मैं तीनों पे लिपस्टिक लगा रही हूँ, ठीक है। ये तीन न्यू शेड्स निकल के आए हैं जो कि आप देख पा रहे हैं, ये न्यू शेड्स निकल के आए हैं, अब ये रफ़ नहीं होंगे। एंड आप चाहें तो अगेन इसके ऊपर हल्का सा ये फेर सकते हैं अपना कॉम्पैक्ट, बहुत ही हल्का सा,
एंड अब चेक करते हैं इनका रिजल्ट कि क्या रिजल्ट है इनका. देखिए ये अब बिल्कुल मतलब कह लीजिए रफ नहीं हो रहे हैं, स्टे कर रहे हैं, तो ये रिजल्ट आता है कॉम्पैक्ट यूज़ करने के बाद. तो इस तरह से आप अपनी लिपस्टिक को लॉन्ग लास्टिंग बना सकती हैं. आई होप कि आपको ये मिक्स एंड मैच वाला वीडियो अच्छा लगा होगा. अच्छा लगा हो तो घर पे खूब सारे मिक्स एंड मैच करके बनाइए एंड देखिए क्या रिजल्ट आता है. कमेंट करके बताइए कि आपने कौन सा न्यू शेड इन्वेंट किया. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. हैव अ ग्रेट डे. टेक केयर गर्ल्स.